दुनिया ने पाकिस्तानी ये जो गुंडे हैं ना उनके मुंह पे चपेट मारी है कि तुम्हारी ये हैसियत है, तुम आजाद नहीं हो, तुम गुलाम हो। और बड़ी खबर आपको बता दें, दुबई में शर्मसार हुआ है पाकिस्तान। यूएई ने पाकिस्तान को डिस कर दिया, पाकिस्तान का झंडा नहीं लहराया गया। इंडिया के झंडे वहां लहराए जाएंगे, कल इंडिया का झंडा वहां लहराया जाएगा। तो बुर्ज खलीफा पर नहीं डिस्प्ले किया गया पाकिस्तानी झंडा। सबके साथ प्रयाग हो गया, कोई पाकिस्तान का झंडा नहीं बनाया। पाकिस्तानी कम्युनिटी मायूस होते हुए घर वापस जाते हुए ये हमारे हुक्मरानों की खारजा पॉलिसी की नाकामी का मुंह बोलता सबूत है। जब मौलवी छा जाए दिमाग में और मौलवियत का रूल हो तो फिर ऐसे ही हो। जहां कहीं भी कोई दहशतगर्दी हमला होता है हमारा नाम क्यों जुड़ जाता है? पाकिस्तान के बड़े बड़े जर्नैल जो हैं उनके लिए डूब मरने का मकाम हो। मौलवियत का रूल हो तो फिर पायलन ऐसे ही होता है जैसे होया है। हम आपको पहले ही बता चुके हैं कि यूएई की तरफ से, सऊदी अरेबिया की तरफ से जो भिखारियों के ऊपर, पाकिस्तानी भिखारी जो जहाज भर भर के वहां पर जाते हैं उनके लिए तो आपको पता है पहले ही उनकी तरफ से शिकायतें आ चुकी हैं कि खुदा का वास्ता है प्लीज इनको रोकें। लेकिन वो कश्मीरी बेचारे हैं, वो उधर के भी हैं इधर के भी हैं, वो आजादी लेना चाहते हैं। सर मुझे बताया, हर साल बुर्ज खलीफा जो के पाकिस्तान और इंडिया का झंडा, मुझे ये जैसे कि इस दवा उन्होंने नहीं किया, उनका पाकिस्तान नो फ्लैग। लेकिन आज का जो कश्मीरी है वो कहता है कि पाकिस्तान जो है, अगर हम पाकिस्तान के साथ मिल जाए पाकिस्तान हमें क्या देगा, पाकिस्तान तो खुद दो वक्त की रोटी को तरस रहा है। अल्लाह हबीबी ये क्या हो रहा है, रोको वरना हम इनको यल्ला यल्ला कर देंगे। वो जब किसी को धुतकारना होता है तो वहां पे अरबियों का स्टाइल है यल्ला यल्ला कहने का। सर मुझे बताया, हर साल बुर्ज खलीफा जो के पाकिस्तान और इंडिया का झंडा, मुझे ये जैसे कि इस दवा उन्होंने नहीं किया, उनका पाकिस्तान नो फ्लैग। सर आप क्या कहेंगे इस पे, बुर्ज खलीफा ने इस दवा ना कर दी कि हमने पाकिस्तान का झंडा नहीं लड़ाना, इस पे क्या कहेंगे? अरब दुनिया ने पाकिस्तानी ये जो गुंडे हैं ना उनके मुंह पे चपेट मारी है कि तुम्हारी ये हैसियत है, तुम आजाद नहीं हो, तुम गुलाम हो, तुम अमेरिका के भी गुलाम हो, तुमने पाकिस्तानी कौम को गुलाम रखा हुआ है। आजाद कौमों के झंडे जो हैं वो उनकी आजादी के दिन जो है बुर्ज खलीफा पे लहराए जाते हैं, और जब आजाद लीडर हो तो इमरान खान का वहां पर पोर्ट्रेट भी है जो है वो बुर्ज खलीफा पे लहराया जाता है। ये इनको, इन बिचारों की औकात ही नहीं है कि इनको आजादी का सिंबल दिया जाए। ये तो गुलाम है, गुलामों की कभी भी आजादी दुनिया सेलिब्रेट नहीं करती। तो क्या पड़ा था यूएई को कि वो पाकिस्तान का झंडा जो है वो लहराते? आज हमारे दिल जख्मी है, आज हमें दुख है कि पाकिस्तान का झंडा वहीं नहीं लहराया गया। इंडिया के झंडे वहां लहराए जाएंगे, कल इंडिया का झंडा वहां लहराया जाएगा। तो पाकिस्तान के बड़े बड़े जर्नैल जो हैं उनके लिए डूब मरने का मकाम होगा कि तुम ये जंग हार चुके हो। सर मुझे ये बताएं, हम साया मुल्क की बात करते हैं क्योंकि हम इकट्ठा ही थे, एक लाइन का ही फर्क है। वो उनकी 15 अगस्त है, वो कहते हैं हम आजाद है, पाकिस्तान अवाम आजाद नहीं है। उन्होंने चंद्रयान 3 रॉकेट वो अपना चांद पे भेज दिया, मगर हम यहाँ पे देखते हैं हमारे मुल्क के हालात इतने खराब हो चुके हैं। लोगों के पास, अगर आपने इतना छोटा झंडा लिया, लोगों के पास पैसे नहीं है कि झंडा परचेज कर सके। उन्होंने एक हर गढ़ जो है ना तिरंगा, एक उन्होंने स्कीम चलाई, उन्होंने एक कंपेन चलाई है, उसमें उन्होंने फ्री कैंप बनाया, एक फ्री कैंप में फ्री झंडा दे रहे हैं। वो हमारे हुक्मरानों ने ऐसा किया, उन्होंने सोचा कि हम भी अवाम के लिए कुछ करें, हम फ्री झंडे दे, इतने महंगे महंगे झंडे हो गए हैं, उन्होंने हर अवाम के लिए फ्री झंडा उन्होंने बना दिया कि आप 15 अगस्त के लिए फ्री झंडा आपको। मेरे भाई, इंडिया ने अगर चंद्रयान बनाकर चांद पे भेजा है ना, तो हमने नवाज शरीफ को 50 रुपए के स्टाम्प पेपर पर लाहौर हाई कोर्ट ने लंदन में भेजा है। हमने पहले भेजा, जीत के दिखाओ इंडिया वालों, तुम कैसे मुकाबला कर सकोगे हमारा? हमारा इस वक्त इंडिया लंदन में जो है वो कब्जा हो चुका है, हमने यहाँ से अंग्रेज भगाए थे और वहां जाके लंदन खरीद लिया हुआ है, तुम कैसे मुकाबला करोगे? हमारे हुक्मरान जो है वो हीरे होते हैं, ये इंडिया को कभी नहीं जीतने देंगे। क्या है, प्रैंक हो गया हमारे साथ? हमारे साथ प्रैंक हो गया है। इन्होंने झंडा क्यों नहीं चलाया? झंडा क्यों नहीं चलाया वैसे आपस की बात? हमारा मुल्क चोर है भाई, चोर है। बहुत ही ज्यादा रश था, बहुत ज्यादा क्राउड था। इन्होंने पाकिस्तान का फ्लैग लगाया तो नहीं, बट पाकिस्तान का जज्बा जिस तरह था वो आप लोगों ने भी देखा, मैंने भी देखा। लेकिन वो कश्मीरी बेचारे हैं, वो उधर के भी हैं इधर के भी हैं, वो आज़ादी लेना चाहते हैं। वो जाहिर है, वो अपनी आज़ादी के लिए तो हर बंदा लड़ता है ना, हर बंदा लड़ता है। उन पे जो गुजर रही है पिछले, आपको पता ही है कि ये तकरीबन 5-6 महीने तो वो उन पे वो घरों में बंद रहे हैं, उन्होंने लाशें अपने घरों में दफनाई हैं। ये बात
बात बड़ी झूठी है। पता कैसे, मैंने जब उनसे ये पूछा था कश्मीरियों से जब मेरे प्रोग्राम में, उन्होंने कहा कर्फ्यू का मतलब ये था कि बाहर से चहल पहल ख़त्म हो गई थी क्योंकि आर्टिकल हटा था, बाकी हमारे यहाँ फूड भी था, सब चीज़ें थी। चलो जो भी सरकार ने किया, हम कश्मीर को हमेशा से कहते रहे हैं कि पाकिस्तान का हिस्सा है। कोई कहता जुल्म हुआ, कोई कहता उन्हें आज़ादी, तो कश्मीर की बड़ी लंबी कहानी है, आप भी जानते मैं भी जानती हूँ, और एग्जैक्ट किसी को नहीं पता, एग्जैक्ट किसी को नहीं पता। लेकिन आज का जो कश्मीरी है वो कहता है कि पाकिस्तान जो है, अगर हम पाकिस्तान के साथ मिल जाए, पाकिस्तान हमें क्या देगा, पाकिस्तान तो खुद दो वक्त की रोटी को तरस रहा है, हम अगर कश्मीर ले भी लेते हैं तो हम क्या करेंगे उसका। मेरी बात सुने आपने अभी थोड़ी देर पहले, सॉरी मैं इस बात की तरफ आऊंगा, आपने सऊदीया को कहा, यूएई को कहा नक्शे बनाए, जब तक हमारे हाथ ऐसे हैं ना तो हम कुछ भी नहीं कर सकते। मेरी बात सुने, पाकिस्तान को अल्लाह ताला ने क्या कुछ नहीं दिए, अल्लाह का दिया सब कुछ। मैं कहता हूं इस मुल्क में अल्लाह ताला ने, दुनिया का वो मुल्क है, आप स्कैंडिनेवियन ममालक देख लें, वहाँ बर्फबारी है, कोई मौसम नहीं है, सिर्फ बर्फबारी है, कहीं गर्मी है सिर्फ, कहीं सिर्फ सर्दी, यहाँ अल्लाह ताला ने सारे मौसम दिए, हर फसल दी है, लेकिन ज़खीरा दो, या तो स्मगलिंग हो जाती है, ये कंट्रोल नहीं कर सकते, क्यों नहीं कंट्रोल करते। सही बात है। अच्छा एक आखिरी सवाल आपसे पूछूंगी फिर दूसरी जानी बढ़ जाऊंगी, क्या वजूहत है कि जहाँ कहीं भी कोई दहशतगर्दी हमला होता है हमारा नाम क्यों जुड़ जाता है? नहीं, हमारा नाम जुड़, वो जाहिर है वो उन्होंने तो जोड़ना, हम भी उनका जोड़ते हैं। अच्छा। और वो करवाता भी है। अच्छा। इंडिया तो करवाता है, तो इंडिया भी तो ये कह रहा है पाकिस्तान करवाता है, क्या करें, इस मसले का हल क्या है? देखिए मैं, हम जितने लोग खड़े हैं, जितने लोग, मेरा तो नहीं ख्याल कि इनकी सोच जो है कि ऐसी हो कि हम तो अमन चाहते हैं। अवाम नहीं, अवाम ने कुछ दहशत गर्दों के जो ग्रुप है वो करते हैं, अवाम बेचारी का क्या ताल्लुक है? हम वो देखे ना, अभी जो त्यारे जो गिराए थे, जो त्यारा गिरा था वो क्या पाकिस्तान ने, पाकिस्तान गया कभी उस तरफ? नहीं नहीं, इंडिया का था, इंडिया का था ना, तो क्या कौन करवा रहा फिर दहशतगर्दी? लेकिन अच्छा वो अभिनंदन का मामला भी अक्सर उठाया जाता है, लेकिन उनकी तरफ से ये कहना था कि जी भाई गलती से आ गया, हमारा जो मकसद था नुकसान पहुंचाना नहीं था, उन्होंने इस बात को क्लियर किया। लेकिन कश्मीर के नाम पर कब तक हम दोनों लड़ते रहेंगे? नहीं, कश्मीर जाहिर है, कश्मीर जब ये पार्टीशन हुई है, कश्मीर पाकिस्तान का हिस्सा था ना? नहीं हिस्सा था, कश्मीर एक अलग स्टेट था, स्टेट था ना, बहावलपुर पाकिस्तान का हिस्सा नहीं था। नहीं, लेकिन उन्होंने अपना वो पाकिस्तान के साथ ही इलाहाक, नहीं उसके जो राजा थे इंडिया के साथ इलाहाक किया, इसका बहरहाल मुझे पता। हाँ, इंडिया के राजा ने, वो पेपर है उनके पास पूरे, राजा ने इलाहाक किया इंडिया के साथ। उनके राजा से मेरी बात नहीं हुई बहरहाल। नहीं नहीं, राजा के जो एग्रीमेंट, साइन एग्रीमेंट है वो वहाँ पर पड़े हुए हैं। हम बात करेंगे आपसे, बात करेंगे, आप आ जाए। उस टाइम जब अक्वामेदा में दोबारा करा था, आप अपनी आवाज उठाए। हाँ जी, जब अक्वामेदा में जब बात हुई थी, उसके में डिक्लेयर हुआ था कि उसकी जो सी राय है ली जाए कश्मीरियों की, उन्होंने किधर रहना था, वो एक पुरानी बात थी। उसके बाद जो आखिरी स्टेटमेंट थी ना, वो यही थी जब के इसके ऊपर जो था ना मुआयदा होगा, तो अक्वामेदा की करारदाद मंजूर नहीं करवाई इन्होंने, तो कश्मीरियों की राय लेने के लिए पहला स्टेप तो ये था कि पाकिस्तान अपनी फौजें हटाएगी और इस तरह से इंडिया हटाएगी और दोनों के एक करके फिर उनकी राय ली जाएगी। ना हम पीछे हट रहे हैं ना वो हट रहे हैं, तो कश्मीरी का फैसला कैसे होगा? हमने तीन जंगे कश्मीर के लिए लड़ ली हैं, नतीजा आपके सामने, हमारी बड़ी बुरी तरह शिकस्त हुई, हार हुई, और इन जंगों का नतीजा है कि आज हमारी इकोनॉमी स्टेबल नहीं है, हमारी हार हुई है।